सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल सीजन 11 में प्लेऑफ के लिए शीर्ष चार टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब केकेआर और राजस्थान रॉयल्स को भी आईपीएल 11 के प्लेऑफ का टिकट मिल चुका है। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में एक बेहद शानदार रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। दो साल के प्रतिबंध के बाद आईपीएल में वापसी करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 11 में से 9 सीजन खेले हैं और अब तक के खेले गए सभी सीजन में टीम ने प्लेऑफ में सफलतापूर्वक एंट्री की है। आईपीएल के 9 सीजन खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग्स को 4 बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। इसमें एक एक बार केकेआर और राजस्थान रॉयल्स से उसे हार मिली है, जबकि 2 बार मुंबई इंडियंस ने हराया है। इसके अलावा आईपीएल का तीसरा और चौथा सीजन जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन में खिताबी जीत का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इस सीजन में चेन्नई 14 में से 9 मुकाबले जीतने के बाद पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है। वहीं सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम भी एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। धोनी ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 7 गेंदों में नाबाद 16 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 4000 रन भी पूरे कर लिए हैं। 7 नंबर की जर्सी पहनने वाला ये धुरंधर आईपीएल इतिहास में ये आंकड़ा छूने वाला 7वां खिलाड़ी बन गया है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।